तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब के फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। फॉर्मूले कैलकुलेट करने से पहले ही अपन ने इन जनरल लॉजिक यूज करके भी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट ये सब कैलकुलेट कर ली थी, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई करेंगे, अपने को बेसिक तो आना ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूले भी उसी बेसिक से डिराइव होते हैं, है ना। तो मैं एक बार वो फॉर्मूले जो रिलेशन डिराइव हुए थे वो मैं लिख दूं, तो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात थी तो टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला रिलेशन आया था 2u sin थीटा अपॉन जी, है ना, 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको मैंने ऐसे भी लिखा था, 2u y अपॉन ay, y का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड है उसका, ये मैक्सिमम हाइट आई थी u² sin² थीटा अपॉन 2g। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ u² अपॉन 2 ay, और रेंज आई थी ux into t, जिसको मैं और लिख सकता था 2 into ux into u y, मतलब मैंने टी को 2 u y अपॉन ay लिख दिया, 2 into ux into u y अपॉन g, मतलब 2 into ux into u y अपॉन ay मान लो। इसको सिंप्लीफाई करके जब यूएक्स यूवाई की वैल्यू रखी थी तो ये बना था 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और इसी की एक फॉर्म और आई थी, अगर मैं 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख देता तो u² sin 2 थीटा बाई जी। ये भी रेंज का रिलेशन है, ये भी रेंज का रिलेशन। ये सब के सब फॉर्मूले अपन ने लास्ट टर्म पे सीखे थे। अपन ने ये भी सीखा था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ही सही है, और अपन ने इस मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था, वर्टिकल में मोशन अंडर ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों का सम है, तो इन दोनों को अगर सम किया जाए तो अपने को जो नेट मोशन मिलती है वो ये मिलती है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। ये सब बेसिक थ्योरी हमने सीख ली थी, अपन ने इस पे बेस्ड कुछ सवाल भी किए थे, ठीक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालूंगा जो कई जगहों पे बहुत काम आ जाएंगे, है ना। याद रखना अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ये जो भी रिजल्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं दीज आर ट्रू ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये नहीं कि कल को तुम हाइट और ऑब्लिक वाले में भी लगाने लग जाना, ये सिर्फ किसके लिए सही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो अगला क्वेश्चन है ना कि प्रूव दैट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एच बाय आर, एच क्या है मैक्सिमम हाइट, आर क्या है रेंज, एच बाय आर इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 4। आप सबको खुद से प्रूफ करना है, प्रूफ कर लिया हो तो मुझे चैट बॉक्स पे डन लिख दीजिएगा। एच बाय आर इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 4, वेयर ऑब्वियसली थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। प्रूफ दैट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज 10 थीटा बाय 4। बहुत आसान है, जल्दी से प्रूफ कीजिए, प्रूफ करके चैट बॉक्स पर डन लिख दीजिएगा। बहुत सिंपल प्रूफ करना, एच बाय आर कहा है तो एच बाय आर सॉल्व कर लेंगे, एच अपॉन आर, एच का फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड में u² sin² थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला 2u² sin θ cos θ अपॉन g। रेशियो लोगे, एक साइन थीटा कैंसिल होगा, यू स्क्वायर कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, सॉल्व हो गया आएगा 10 θ/4, बस इतना सही है। ये काफी काम आता है ना, ये मतलब ध्यान रहे ना तो कई बार चीजें आसान हो जाती हैं। मान लो आपको थीटा पता है, आपने हाइट निकाल ली तो रेंज आ जाएगी, रेंज निकाल ली तो हाइट, तो दोनों के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जनरल यू स्क्वायर वाला, आपने कोई भी एक चीज निकाल ली तो आप दूसरी चीज बता सकते हो इजीली इस रिलेशन से, एच बाय आर इज इक्वल टू 10 θ/4। तो ये फर्स्ट रिलेशन था आपने, है ना, सिंपल सी बात है। सेकेंड रिलेशन, ऐसे कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ कर सके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा मिल सकता है,
इफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 1/2 ऑफ द रेंज. इफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 1/2 ऑफ द रेंज देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेंज देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो इसी रिलेशन से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, वरना अपने को सॉल्व करना पड़ता दोनों का फॉर्मूला लिख के. अगर अपने को ये पता है h by r tan theta by 4 होता है तो लिख दो h by r is equal to tan theta by 4. अब उसने कहा है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो रेंज की आधी है, इसका मतलब ये रेशियो 1/2 आ गया is equal to tan theta by 4. तो यहाँ से कितना आ गया, tan theta की वैल्यू 2, तो theta कितना आ गया, tan inverse 2. This is angle of projection. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अपन इसके आंसर बता देंगे. ठीक है, बात समझ आ गई. जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए. ये रुको, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे. आपको ही करना है. प्रूव दैट इफ टू प्रोजेक्टाइल्स are projected at, prove that if two projectiles are projected at theta and 90 degree minus theta, मतलब complementary angles पे, complementary angles, prove that if two projectiles are projected at theta and 90 minus theta with same initial speed they will have equal range. क्वेश्चन अपने को अच्छे से पहले पिछला वाला प्रूफ किया था, वैसे ही ये भी प्रूफ करता है. ये लिखिए फटाफट और वो क्वेश्चन प्रूफ की. ठीक, चलो देखते हैं. तो पहले मैं थीटा पे फेंक लेता हूं, u सेम रखना है ना. व्हेन एंगल इज थीटा, जब थीटा पे फेंका तो r1 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. बहुत अच्छा. And when angle of projection is 90 degree minus theta, तो range कितनी आएगी? R2 is equal to 2u square sine theta की जगह 90 minus theta, cos 90 minus theta by g. Sine 90 minus theta cos theta होता है, cos 90 minus theta sine theta होता है. So R2 is again equal to 2u square साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. सो यहां से क्या प्रूफ हो गया, आर वन इक्वल टू आर टू. बड़े काम की चीज है ये कि अगर हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हैं तो रेंज इक्वल आती है. रेंज क्या आती है, इक्वल. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए. इसके नीचे मैं एक और क्वेश्चन इसी का पार्ट लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करके बताना है. इफ H1 and H2 are maximum heights in above situations. मतलब H1 है जब theta 1 जब theta पे फेंका है, H2 है जब theta 2 पे फेंका है. Find H1 plus H2. Find H1 plus H2. कि अगर एक बार थीटा पे फेंका, एक बार 90 माइनस थीटा पे फेंका
और हाइट एच वन और एच टू है तो अपने को एच वन प्लस एच टू बताना। ये रेंज तो अपन इक्वल प्रूव कर ही ली कि रेंज इक्वल होती है। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब लोगों का आंसर सही है, बिल्कुल आसान सवाल कि एच वन प्लस एच टू, एच वन की वैल्यू लिखेंगे बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, एच टू की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, दोनों को सम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, सो इट इज यू स्क्वायर अपॉन टू जी, दिस इज मैक्सिमम हाइट एच वन प्लस एच टू, सॉरी दिस इज एच वन प्लस एच टू। तो इस तरह के सवाल कई बार ना आते हैं एग्जाम में, वैसे अब तो बहुत यूजफुल नहीं है ये, बट ये बेसिक रिजल्ट्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। नीचे वाला तो ऐसे ही निकाल दिया मैंने, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज यहां से और समझना है कि हमने क्या सुना देखा कि इक्वल इक्वल एंगल पर फेंकते हैं तो रेंज इक्वल आती है ना, सॉरी इक्वल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकते हैं तो रेंज इक्वल आती है, लेकिन हाइट इक्वल नहीं आएगी। सुनना एक बार जरा फील करो कि हो क्या रहा है, ये तो अपन ने फॉर्मूले फॉर्मूले देख लिए, जरा फील करो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मान लो जमीन का एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ग्राउंड से मैं कुछ प्रोजेक्टाइल्स फेंक रहा हूं, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तुम कहोगे सर इसको लिखते हैं यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तुम कहोगे टू यू वाई अपॉन जी। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वेलोसिटी या वाई कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, सिर्फ यू वाई पे डिपेंड करता है, और यू वाई जितना ज्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतनी ही ज्यादा होगी, हाइट भी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब एज यू वाई इंक्रीजेस हाइट इंक्रीजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे यू वाई को बढ़ाएंगे हाइट भी बढ़ेगी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगी। और यू वाई कैसे बढ़ेगा, तो मान लो बेटा आप इधर यू से फेंकते हो तो यू वाई है क्या, तो यू का कंपोनेंट है वर्टिकल में, तो यू का ये कंपोनेंट यू एक्स है और यू का ये कंपोनेंट यू वाई है, ये एंगल थीटा है ना, तो ये यू का कंपोनेंट यू वाई कितना आता है यहां से यू साइन थीटा, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यू वाई बढ़ेगा, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे यू वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एंड एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे से मैं थीटा को बढ़ाऊंगा यू वाई बढ़ेगा, मतलब थीटा बढ़ाने का क्या मतलब है कि वर्टिकल की तरफ ज्यादा है, सोचो थीटा बहुत ही कम हो, थीटा बहुत ही कम हो तो इधर जाएगा, थीटा बढ़ाए इधर जाएगा, थीटा बढ़ाए ऐसा जाएगा, थीटा और बढ़ाए तो ऐसा जाएगा, थीटा और बढ़ाए ऐसा जाएगा, थीटा 90 कर दे तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो एक्चुअली जो अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी सीखी थी ना, That is also a special case of this projectile motion, जिसमें थीटा कितना था 90 डिग्री, तो ऊपर फेंका और नीचे आ गया था, ऊपर फेंका और नीचे आ गया था, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ाने से क्या होगा, y component of velocity इंक्रीज होगी, और velocity के y component के बढ़ने से क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा और हाइट भी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में क्या आता है 2uy/g, तो as u y will increase, time of flight increase, और लॉजिक भी है, ऊपर जितना तेज फेंकेंगे, भाई मैंने कहा पत्थर को थीटा पे ना फेंक के ऐसा मानो कि ऊपर फेंक रहे हैं और आगे फेंक रहे हैं, तो ऊपर जितना तेज फेंकेंगे उतना ऊपर जाएगा और उतनी देर तक ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है,
तो एज यू वाई विल इंक्रीज, टाइम ऑफ फ्लाइट विल इंक्रीज एंड हाइट विल इंक्रीज, दोनों चीजें बढ़ेगी। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? यू वाई पे। अब रेंज के बारे में सोच के देखो, रेंज के फॉर्मूले में आता है टू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, या फिर मैं साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में लिख दूं तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये होता है रेंज। सोच के देखिए, जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज करूंगा, एक तो मैथमेटिकली सोचना, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा साइन थीटा बढ़ेगा लेकिन कॉस थीटा कम होगा, साइन थीटा बढ़ेगा लेकिन कॉस थीटा कम होगा। यहां से सोचो, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो ux कम होगा, uy बढ़ेगा, है ना। तो एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो नेट रिजल्ट के साथ क्या होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। नेट रिजल्ट के साथ क्या होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये सोचना है, ठीक है। तो ऐसे विजुलाइज करके देखो, कि अगर मैं ठीक ऊपर ही फेंकता 90 डिग्री पे, बिल्कुल ऊपर, तो रेंज जीरो होती, तो क्या होता, रेंज जीरो होती, है ना। ठीक ऊपर फेंक दूं तो ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैक्सिमम हो गया, हाइट मैक्सिमम हो गई, लेकिन रेंज जीरो। और मैं इसको बिल्कुल जमीन के ऐसे पास ही फेंक दूं, ऐसे ऐसे, तो नो डाउट ux बहुत ज्यादा है, ux बहुत ही ज्यादा है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ही कम है। यू वाई जितना छोटा रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही छोटा होगा, तो भी रेंज बहुत छोटी आएगी, है ना। बहुत ही पास फेंके तो बहुत ही छोटा, पास जाके गिरेगा ना। यूएक्स तो बहुत ज्यादा दे दिया लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ही कम है, तो यही पास गिर गया है। थोड़ा और तेज फेंकेंगे तो यही गिर जाएगा, यही गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है यहीं पे? टाइम ऑफ फ्लाइट ही बहुत कम है। इसका मतलब कम एंगल पे फेंकेंगे तो भी पास गिरेगा, बहुत ज्यादा एंगल पे फेंकेंगे तो भी पास गिरेगा। ये अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते हैं। तो सबसे दूर कब गिरेगा? जब 45 पे फेंकेंगे। जब कब फेंकेंगे? 45 पे। इसको आप मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो बेटा ऐसे देख सकते हो। देखो रेंज को, इसको मैं और भी एक फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, अगर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं ना। अब यहां से इजीली दिख जाता है कि मैं अगर चाहता हूं रेंज को मैक्सिमाइज करना, यू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, ये चीज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है मैक्सिमम, साइन समथिंग इज मैक्सिमम 1। तो आप लिखोगे कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब? जब ये अंदर का एंगल कितना हो 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो 45 डिग्री। मतलब अगर 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो हमें रेंज कैसी मिलती है? मैक्सिमम। कैसी मिलती है? मैक्सिमम। इससे कम पे फेंकेंगे तो भी रेंज कम मिलेगी, इससे ज्यादा पे फेंकेंगे तो भी रेंज कम मिलेगी। मतलब देखो डायग्राम कैसा बनेगा, बता रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स का ना, इन सबको सेम स्पीड से फेंका गया है। इन सबको मैंने सेम स्पीड से फेंका है, थोड़ा दूर न दिखेगा नहीं, तो पहले एक तरफ से बना देता। ऐसा अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए लिखूं तो ये एंगल होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल कुछ होगा थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। ये होंगी कुछ थीटा इक्वल टू कोई एंगल बीटा एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे मैंने फेंका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे देखो रेंज सेम है, लेकिन एज थीटा इंक्रीजेस हाइट तो देखो बढ़ती जा रही है। ये थीटा सबसे कम, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा अल्फा, अल्फा से ज्यादा बड़ा है बीटा और बीटा से लार्ज है 45 डिग्री, है ना। और 45 डिग्री से लार्ज कौन सा एंगल आएगा? 90 डिग्री माइनस बीटा। और सबसे लार्ज एंगल इस डायग्राम के लिए कौन सा होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा, मतलब ये है 90 माइनस अल्फा वाला प्रोजेक्टाइल, ये है 90 डिग्री माइनस बीटा वाला प्रोजेक्टाइल,
है ना, ये है 45 डिग्री वाला, ये है बीटा वाला, ये है अल्फा वाला। तो अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे लार्ज एंगल कौन सा है, 90 माइनस अल्फा, उससे कम 90 माइनस बीटा, उससे कम 45, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा। लेकिन मैक्सिमम रेंज कहां मिलेगी, 45 पे, कहां मिलेगी 45 पे। इससे ज्यादा पे फेंकोगे तो भी रेंज कम आएगी, इससे कम पे फेंकोगे तो भी रेंज कम आएगी। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ क्या होगा, तो वो तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, वो तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा तो यू वाई बढ़ता जाएगा, यू वाई बढ़ता जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी। बट रेंज विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। मतलब जब मैं 0 से 45 तक जाता हूं तो थीटा बढ़ाने पर रेंज बढ़ती है ना? मतलब मैं लिखूं तो एज थीटा इंक्रीजेस, है ना, तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा हो तो एज थीटा इंक्रीजेस रेंज इंक्रीजेस, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम और 45 डिग्री से ज्यादा हो तो एज रेंज इंक्रीज, थीटा इंक्रीजेस रेंज डिक्रीजेस। मतलब 0 से 45 तक रेंज बढ़ेगी, 45 से 90 तक रेंज कम होगी। मैक्सिमम रेंज कहाँ मिलती है, 45 डिग्री पे। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल मिलती है। मतलब कल को मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि सेम स्पीड से, याद रखना स्पीड सेम, सेम स्पीड से मैं प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फेंकूं और 60 डिग्री पे फेंकूं तो रेंज सेम मिलेगी। 20 डिग्री पे फेंकूं और 70 डिग्री पे फेंकूं सेम रेंज मिलेगी, सेम रेंज मिलेगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन इस हिसाब से जज करके कह सकते हैं। ये अपन ने एक नई बात सीखी रेंज के बारे में, कि थीटा के बारे में क्या सीखा, कि अगर हम स्पीड को सेम रखते हुए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट विल इंक्रीज, but range will first increase then decrease and we will have maximum range at theta equal to 45 degree and these results are true for ground to ground projection, है ना। ये शायद आपने लिख ही लिया था, ये लिखिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। मैं अगले पेज पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। A boy is throwing stones with a speed of u in the ground. A boy is throwing stones with a speed of u in the ground. Find maximum horizontal distance up to which he can throw the stone. Maximum horizontal distance up to which he can throw the stone. Second, maximum height of the stone in case one. Case one जो लिखा, जब maximum horizontal distance पे फेंक रहा होगा उस केस में maximum height of the stone क्या हो सकती है। और थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, थ्रो द सेम स्टोन। तो आपसे कहा गया है बॉय इज थ्रोइंग स्टोन्स विथ अ स्पीड ऑफ यू इन द ग्राउंड, फाइंड। पहला पूछा है कि हॉरिजॉन्टल सबसे ज्यादा कितनी दूर फेंक सकता है। दूसरा, जब हॉरिजॉन्टल सबसे दूर फेंक रहा है इन केस वन, मतलब जब हॉरिजॉन्टल सबसे दूर फेंक रहा है तो उस स्टोन की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। और केस थ्री है
कि मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन, कि अगर उसी स्टोन को चाहता है सबसे ऊंचा फेंके तो कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तीन आंसर है, तीनों लिखिए। अच्छा मैं एक काम करता हूं, आपको लिखने में आसानी होगी, मैं काम करता हूं ना, मैं तीन ऑप्शंस जनरेट करता हूं, तो आपको उनको ना फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऑर्डर में लिखना है कि ए बी सी किस ऑर्डर में आप देना चाहते हो। ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। एक के आंसर दो भी हो सकते हैं, मतलब दो के आंसर ए हो सकते हैं, दो के आंसर बी हो सकते हैं, दो के आंसर सी हो सकते हैं, तीनों का आंसर सेम भी हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लिखना है कि आपका आंसर मान लो फर्स्ट का आ रहा है सी, सेकंड का आ रहा है बी, थर्ड का आ रहा है ए, तो आपको सी बी ए ऐसे लिख देना है चैट बॉक्स में। फर्स्ट का आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड का आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड का आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, जैसे मैच द कॉलम हो गया ये, है ना। चलिए ना आंसर लिखिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम। तो अब मैं सही आंसर लिख रहा हूं, करेक्ट मैचिंग इज फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी एंड थर्ड का ए। सो बी सी ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत से लोगों ने दिया था, बी सी ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे आया, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था पहले ये जानते हैं। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा था बेटा कि सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि पत्थर सबसे ज्यादा दूर कितनी दूर तक फेंक सकता है। तो आप जानते हो सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए कितने पे फेंकते हैं, 45 डिग्री से, तो यही मैक्सिमम रेंज होगी। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू, रेंज मैक्सिमम, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा मतलब साइन 90 डिग्री अपॉन जी, साइन 90 कितना होता है 1, सो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर अपॉन जी। ये रिलेशन, ये रिजल्ट ध्यान भी रख सकते हो, वैसे निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन इन केस वन, मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल में जा रहा है ना, तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो अपन तो ये 45 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल एच बाय आर इक्वल टू 10 थीटा बाय 4, वैल्यूज रख दो, एच पूछी है, एच इक्वल टू आर बाय 4 10 थीटा, मतलब 10 45, 10 45 इज 1, सो आंसर इज आर बाय 4, आर बाय 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g, यू स्क्वायर अपॉन 4g। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इस प्रोजेक्टाइल के ड्यूरिंग ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है, सो आंसर इज यू स्क्वायर अपॉन 4g, मतलब रेंज का 1/4, मतलब रेंज अगर 500 मीटर होगी तो 125 मीटर, रेंज अगर 100 मीटर होगी तो 25 मीटर, ऐसा। और अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन। मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी को स्टोन सबसे ऊंचा फेंकना है, तो बेटा कैसे फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा सीधा, कैसे फेंकेगा, यू से ऊपर, तो ये स्टोन इस केस में मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं कि स्टोन को सबसे ऊंचा फेंकना है, बताओ किधर फेंकोगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, और ये हाइट क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन में यू स्क्वायर अपॉन 2g ऑलरेडी जानते हैं अपन, यू स्क्वायर अपॉन 2g कब, जब अपन सीधा ऊपर फेंकेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यू स्क्वायर अपॉन 2g। थर्ड तो प्रोजेक्टाइल का सवाल ही नहीं था, है ना, थर्ड को अपन सिंपली सोच सकते हैं, बस अपने को ये सोचना है कि अपने को इसको कहाँ फेंकना है, ऊपर। ठीक है जल्दी नोट कीजिए, जिनको नोट करना हो, इस स्लाइड के लिए 30 सेकंड दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
इनसाइड अ रूम या इनसाइड अ हॉल वेयर रूफ इज 20 मीटर हाई. Inside a hall where roof is 20 meter high from floor. A boy is throwing stones with speed of 40 meter per second. With a speed of 40 meter per second. Find maximum possible horizontal distance for his stones. बताइए, बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, 2 मिनट का टाइम है, बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा. Inside a hall where roof is 20 meter high from floor, a boy is throwing stones with a speed of 40 meter per second. Find maximum possible horizontal distance for his stones. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक फेंकना है, तो अपने को जो याद कर रखा है पहले वो यूज करके देख लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है, जो रिजल्ट अपन ने निकाला वो आता है यू स्क्वायर बाय जी. तो इसकी वैल्यू आएगी 1600/10, 160 मीटर. अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई कि इन्होंने हाइट रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई रूफ से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, तो इस केस में हाइट कितनी आती थी? तो याद करो h by r is equal to 10 theta by 4. तो जो मैक्सिमम हाइट आती थी प्रोजेक्टाइल की वो रेंज की 1/4 आती थी. कितनी आती थी? रेंज की 1/4 थीटा 45 पे. तो कितना आ गया? 40 मीटर. तो अगर बेटा मैं इसको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकता, ये कब फेंका है? 45 डिग्री पे. अगर मैं इसको 45 डिग्री पे फेंकता जब रेंज मैक्सिमम होती है, तो ये 40 मीटर ऊपर जाता. जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि हाइट तो 20 मीटर ही है. यही अगर रूम की हाइट ना 60 मीटर दी होती है ना, तो फिर आंसर ये तो होता है 160 मीटर. अगर रूम की हाइट 60 मीटर दी होती तो भाई हमारे इस केस में तो बॉल कहाँ जा रहा है? 40 मीटर ऊपर ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन रूम की हाइट जो है वो हमारे मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट से कम है, इसीलिए हमारी हाइट पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है. इसीलिए अब हम इसे 45 पे नहीं फेंक सकते, हमें इसे किसी दूसरे एंगल पे फेंकना होगा, क्योंकि हमारे पास हाइट की रेस्ट्रिक्शन है ना. अब हमारे पास पता क्या है कि हमारी हाइट 20 मीटर ही हो सकती है ना. और हम जानते हैं बेटा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है हाइट बढ़ती है ना. तो अगर 45 डिग्री पे हाइट 40 मीटर थी, तो ऑब्वियस सी बात है 20 मीटर हाइट वाले के लिए एंगल कम आएगा. 20 मीटर हाइट के लिए एंगल पहले से कम आएगा, है ना. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट रहने दे रखी है 20 मीटर कि 20 मीटर तक हम फेंक सकते हैं, और स्पीड दे रखी है कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले तो ये पता करो कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा. ये रूम क्या रूफ है और ये फ्लोर है, इसके बीच की डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना 20 मीटर. तो हम 20 मीटर से ऊंचा तो फेंक ही नहीं सकते. तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे हाइट का. हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. हाइट हमें इस बार पता है, यहाँ से थीटा आप सॉल्व करना आएगा 30 डिग्री. साइन थीटा 1/2 आ रहा है, थीटा आएगा 30 डिग्री. मतलब इस केस में हमें इसे 30 डिग्री पे फेंकना होगा, और जब 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज निकाल दो. रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन जी, मतलब ये आ गया 1600.
ये आ गया यहां से 1600 इंटू रूट थ्री बाय 10 इंटू टू, तो ये सॉल्व हो गया यहाँ से 80 √3 मीटर। इसमें लफड़ा समझो, लफड़ा ये है कि हाइट का रेस्ट्रिक्शन है, इससे ऊंचा नहीं फेंक सकते, तो अगर 45 पे फेंकते तो छत से टक्कर हो जाती है और वहीं गिरता, मतलब 45 पे नहीं फेंक सकते, 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो ही छत को जस्ट टच करता हुआ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 30 डिग्री पे फेंकना होगा और उसके अकॉर्डिंग रेंज निकालनी पड़ेगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिख रहा हो कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए पूछा गया है और किसी बंद कमरे में पूछ रहा है या किसी हॉल में पूछ रहा है, तो तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे हाइट पे रेस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि हमारी जो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आ रही है, ये रूम की हाइट से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ से हमें दिखा दिस इज मोर देन 20 मीटर, हॉल की हाइट से ये ज्यादा आ गई। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। क्वेश्चन जो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं देखना, मतलब ये लॉजिक है एक्चुअली में, तो मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कैपिटल टी दे रखा है, वो क्यों दिया बताऊंगा। और अपने को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करनी है। फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना, अपने को एक्सिस सिस्टम डिफाइन कर रखा है, जमीन के अलोंग एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्टाइल को यहाँ कहीं से फेंका होगा और ये यहाँ कहीं जाके जमीन पे हिट कर रहा है। यू से फेंका है और ये थीटा पे कहाँ से प्रोजेक्ट किया है? ओरिजिन से, है ना। तो आपसे कुछ चीजें पूछी हैं, ध्यान से देखो क्या क्या पूछी है। पहली चीज आपसे पूछी है वी एक्स, वी एक्स मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी टाइम की बात करेंगे ना, टाइम वो लेस देन इक्वल टू टी बात करेंगे। टाइम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट से कम ही, उसके बाद पत्थर रुक जाएगा तो उसके बाद सब जीरो हो जाएगा ना। तो वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये चार चीजें आपसे पूछी है कि बताओ किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या था, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या था, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट क्या था। तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से, अपन जानते हैं एक्स मोशन और वाई मोशन सेपरेट होती है। ध्यान से देखिए, मैं ही बता रहा हूँ, ये अपने को आता है, एक्स मोशन अलग वाई मोशन अलग। एक्स मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इसमें इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा होंगे। तो दिस इज यू कॉस थीटा एंड दिस इज यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स में जीरो, एक्सेलरेशन की वैल्यू वाई में माइनस जी। माइनस जी क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ होता है एक्सेलरेशन, ये मैंने लिख लिया। अब बेटा यहां मैं आपसे पूछूं किसी भी टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर किसी भी टाइम पे वी एक्स यू एक्स के बराबर ही होगा, मतलब कभी भी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती और वो हमेशा कितनी होती है? यू कॉस थीटा। हमेशा कितनी होती है? यू कॉस थीटा। एट ऑल द इंस्टेंट्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं किसी भी टाइम पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट पूछूं तो हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे? यू एक्स इंटू टी। किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट, रेंज नहीं लिख रहा, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ,
एक्स कोऑर्डिनेट किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, टाइम कितना टी, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया यू कॉस थीटा इनटू टी, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। मैं वाई के बारे में पूछूं, किसी भी टाइम पे बताओ वाई की वेलोसिटी कैसे लिखोगे, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, रख दो वैल्यूज, यू वाई कितना बेटा यू साइन थीटा माइनस जी टी, आपको याद आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ ना, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, कल ही सब सब सॉल्व करवा चुके हैं, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू रख दोगे तो कितना आ गया u sin theta into t minus half g t square. This is y coordinate of the particle. चारों क्वेश्चन के आंसर आ गए, x velocity, x coordinate, this is y velocity at any time and this is y coordinate at any time. चारों चीजों के आंसर मैंने यहीं से बता दिए, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की x velocity क्या होगी, x y velocity क्या होगी, x coordinate क्या होगा और y coordinate क्या, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं। देखो मैं इसको मोशन को थोड़ा और आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ, लिखने का टाइम दूंगा चिंता मत करो, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को और डिस्क्राइब करके बताऊं, वैसे सब कुछ बता चुका हूँ। ये थी मोशन बेटा, यहां से फेंका गया था यू स्पीड से थीटा एंगल पे, है ना, ये टॉप पॉइंट था, टॉप पॉइंट पे इसकी सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी होती है और वो कितनी होती है u cos थीटा, टॉप पॉइंट पे y वाली वेलोसिटी कितनी होती है जीरो, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, ये बिल्कुल बीच बीच में आएगा, क्यों बीच में आएगा जरा सोच के देखो कि जितने टाइम तक जाता है उतने टाइम तक वापस आता है, तो ये डिस्टेंस जो होगी ना ये रेंज की आधी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में, क्यों बीच में आएगा, क्योंकि बेटा इस तरफ तो u cos थीटा की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो अगर पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट के मिड पॉइंट पे है वो, तो अगर कैपिटल t टाइम में r जा रहा है तो t by टाइम में कितना जाएगा r by 2, यहां कब है t equal to 0 पे, यहां कब है t equal to t पे, यहां कब है t equal to t by 2, यहां कब है t equal to t by 2 पे, तो भाई t by 2 में कितना चलेगा r by 2 x में। और देखो इस इंस्टेंट पे मान लो मैं यहां मोशन की बात करूं, तो यहां आप कहोगे इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होता है यू कॉस थीटा, मान लो ये टाइम टी इक्वल टू टी वन है, और देखो ध्यान से ये नेट वेलोसिटी इस तरफ है, नेट वेलोसिटी ये कुछ वाई कंपोनेंट आएगा वी वाई, और वी वाई की वैल्यू क्या होगी, मान लो टाइम टी वन है तो यू साइन थीटा माइनस जी टी वन, u sin theta minus g t1. Similarly, इस time पे इसकी velocity इस तरफ होगी. Velocity हमेशा path के tangential होती है. V net, है ना? ये होगा उसकी velocity का x component और ये होगा उसकी velocity का y component. X component हमेशा कितना होता है? u cos theta. Y component ये मान लो time t2 है. तो इसकी value क्या होगी? u sin theta माइनस जी टी टू, कितनी होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी टू, तो आपको सारी वेलोसिटीज मिल जाएंगी। कई बार एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं बेटा, ये एंगल की वेलोसिटी, मान लो टी वन टाइम पे वेलोसिटी कितने एंगल पे थी, क्या पूछा टी वन टाइम पे वेलोसिटी कितने एंगल पे थी, तो देखो ध्यान से आपको कॉम्पोनेंट्स पता है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है किसी भी टाइम पे, और मैं पूछूंगी अल्फा कैसे निकालोगे, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का एंगल, मैं पूछूं यहां बताओ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, मान लेते हैं बीटा है, तो क्या लिखोगे वापस वही टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, सिंपल वेक्टर से हर टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, मोशन को समझो क्या हो रहा है, मोशन में पार्टिकल को ऊपर फेंका तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी पहले कितनी थी यू साइन थीटा, पहले कितनी थी यू साइन थीटा इधर की तरफ, सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना है सब लोग,
यू साइन थीटा थी, कम होते 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 यहाँ कितनी हो गई यू साइन थीटा माइनस जी टी वन, कम होते होते यहाँ कितनी हो गई जीरो वाई वेलोसिटी। फिर अब नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आती गई यहाँ कितनी आई यू साइन थीटा माइनस जी टी टू, होते होते यहाँ वापस क्या हो जाएगी वर्टिकल यू साइन थीटा हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, थीटा से फेंका था थीटा पे ही आएगा। जब वापस ये जमीन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ वापस यू होगी, जिसका ये कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा और ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा। तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे नेट स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड कैसे निकालोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी नेट किसी भी टाइम पे कैसे निकालोगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो क्या मैंने आपको वी एक्स वी वाई लिखना सिखा दिया, हाँ। तो क्या मैंने आपको नेट स्पीड लिखना सिखा दिया, हाँ। क्या मैंने आपको वी एक्स वी वाई लिखना सिखा दिया, हाँ। तो क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी, बिल्कुल टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। तो आपसे कभी भी पूछे कि पार्टिकल कितने एंगल पे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या एंगल पूछा है, नेट वेलोसिटी, उसको कैसे निकालेंगे वाई और एक्स के बीच के एंगल। तो ये सिंपल सी मोशन है, अपन एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी का एंगल लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं अगर आप ये सब चीजें। और सबका बेसिस क्या है कि दोनों मोशन को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, किसी भी टाइम पे एक्स मोशन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे वाई मोशन सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको दुनिया भर की जो चीज पूछी जाए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं।